ये देखिए अयांश को तो मौका चाहिए, मौका चाहिए इसको तो। ये देखिए, अरे 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 ये क्या कर दिया अयांश। ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आपके अयांश को मैंने क्या काम पे लगा रखा है। अयांश को मैंने अभी आलों के साथ खेलने पे लगा रखा है ना, तो अयांश बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था क्योंकि आजकल अयांश के जो पैरों में है ना, अयांश के पैरों में थोड़ा सा दाने हो चुके हैं। हम डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर कह रहे हैं कि ये बच्चों में होने वाली बीमारी है जो कि हैंड फुट एंड माउथ डिसीज का नाम दे रहे हैं उसे। तो कह रहे थे कि आजकल ये वायरल जो है वो में फैल रहा है, तो अयांश के पैरों पे ही हुआ, अयांश के ज़्यादा जगह नहीं हो रहा है। तो अयांश को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था या इचिंग हो रही होगी शायद, तो उस कारण अयांश ने परसों रात तो बहुत ज़्यादा परेशान किया था। बट अब अयांश थोड़ा ठीक है वैसे तो। और किसी ने कहा कि ये माता भी हो सकती है, हमारे जो पड़ोस वाले हैं उन्होंने कहा कि माता में भी ऐसा होता है कि बच्चों में जो दाने होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा पस जैसे भरा हुआ होता है। अयांश के जो पैरों के तलवे थे ना, उनके नीचे हुए थे वो दाने और उनमें थोड़ा थोड़ा पस जैसे भरा हुआ दिखाई दे रहा था। तो मैं डर गई, मैंने सोचा कहीं अयांश को चिकन फॉक्स ना हो जाए, तो इस कारण मैंने अयांश के पापा को फटाफट फ़ोन किया और उसके बाद तुरंत हम अयांश को हॉस्पिटल ले गए थे। तो अभी भगवान की दया से अयांश सही है और उस पर ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ा है और उसकी तबीयत अब सही है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह के दाने थे अयांश के पैरों में हो रखे, अभी भी हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, आपको देख सकते हो आप अभी अयांश अभी बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखो बता दो कहाँ दर्द हुई आपको, कहाँ हुई आपको दर्द, दिखा दो। यहाँ हुई है, मेरे बच्चे को यहाँ दर्द हो रही है, दिखा दो मम्मा को, दिखा दो, ऐसे बोलो मुझे यहाँ दर्द हुई है। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ दर्द हुई है, कहाँ हुई है मेरे बच्चे को दर्द। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, ये हुए थे अयांश के पैरों पे हल्के, ये नीचे नीचे तलवे पे ये छोटे छोटे दाने हुए थे और इस पे थोड़ा सा एक बड़ा फोड़ा टाइप का हो गया था, ये देख सकते हैं आप। बाकी तो अयांश के पैरों के ऊपर शरीर पे कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ, ये देखिए, ये कहीं भी कुछ भी नहीं हो रखे हैं, ये देखिए, ये कहीं नहीं हुए हैं, बिल्कुल साफ़ है, ये देखिए बदन। तो कई लोग कह रहे हैं कि चिकन फॉक्स होता तो शरीर पे आते हैं, पर भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये देखिए अयांश को तो मौका चाहिए, मौका चाहिए इसको तो। ये देखिए, अरे 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 ये क्या कर दिया अयांश। ये देखिए इस बंदर को, चलो हटो, ये देखो ऐसे नहीं करते हैं, गंदे काम नहीं करते मैं बच्चा, ये नहीं करते हैं आप, अच्छे गंदे गंदे काम नहीं करोगे, चलो अपने आलूओं के साथ खेल लो अपना। अरे अरे बस खेल हो गया अयांश को, फिर खेल करने लग जाता है, देखो अरे मत करना अयांश। तो गाइस देख सकते हैं अभी अयांश हो चुका है और आज तो आज मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी, तो इसलिए मैं अभी अयांश के सोने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने सोचा कब अयांश सोएगा तो उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगी। तो गाइज बात ये है कि मैं बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ और इसीलिए मेरे ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं। और परेशानी का कारण ये है कि जैसे ब्लॉगिंग मैं करना चाहती थी, जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी, वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। और रीज़न यही है कि अयांश के पापा ने जो मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक था वो अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा के सारी फैमिली को सेंड कर दिया। तो गाइस सारी फैमिली वालों को पता चल चुका है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो यही रीज़न है कि मैं कोई भी चीज़ करने से पहले ये सोचती हूँ कि मैं उन लोगों को दिखा रही हूँ, मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो कोई भी देख सकता है। बट मेरे माइंड में यही थॉट रहता है कि मेरे परिवार वाले देखेंगे, इनके परिवार वाले देखेंगे, अयांश के पापा भी बस यही कहते रहते हैं बार बार कि ऐसा नहीं करना, सारे लोग देखेंगे, मेरे फ्रेंड्स लोग देखेंगे, हमारे फैमिली वाले देखेंगे। तो कुछ भी हो रहा है तो पहले यही सोच रहे हैं हम दोनों कि सब कुछ भी करने से पहले माइंड में कुछ और बात आ जा रही है। बस यही रीज़न है कि मैं ब्लॉगिंग ढंग से नहीं कर पा रही हूँ और खुल के नहीं बोल पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है सामने मेरी फैमिली वाले या इनके फैमिली वाले हैं, तो मैं कोई भी बात करने से पहले उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ और इसी कारण मैं ब्लॉग
खुल के नहीं बना पा रही हूँ, अच्छी ढंग से नहीं बोल पा रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को ये पता है तो मैं क्या बताऊँ आगे। तो इसी रीज़न के कारण ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही और मेरा मन ही नहीं कर रहा है ब्लॉगिंग करने का। और फ्रेंड्स, मैं कई बार माइंड में ये आ रहा है कि मैं दूसरा चैनल स्टार्ट कर दूं जिसका लिंक किसी को ना सेंड करें, किसी को पता ना चले कि मैंने दूसरा ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है। फिर सोच रही हूँ कि इसमें अच्छा व्यू हो गया है, मेरा वॉच टाइम अच्छा चल रहा है और सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो अब नया चैनल स्टार्ट करूँगी तो उसमें फिर से स्टार्टिंग करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत फिर से मेरे 2-3 महीने लग जाएंगे। तो बस यही बात मेरे माइंड में बार बार घूम रही है और इसी रीज़न के कारण मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ आजकल कि मुझे क्या करना चाहिए, नया चैनल बनाना चाहिए या फिर इसी में कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिए और आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसी चैनल पे काम करना चाहिए या फिर मुझे दूसरा चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो आप लोगों को ये ज़िम्मेदारी देती हूँ, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं क्या करूँ, क्या मुझे यहीं पे अपना चैनल स्टॉप कर लेना चाहिए और या फिर मुझे अपना दूसरा चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बस यही था, इसी रीज़न के कारण मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ और आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।